आज के शुरूते ही प्रथमे जानाई मेरी क्रिसमस। और आज शुरुआत में ही हम लोग आपसे बोलना चाहते हैं मेरी क्रिसमस। এই বড়দিনের প্রীতি আর শুভেচ্ছা আপনাদের সবাইকে জানাই। और इस बड़ा दिन का अभिनंदन आप सबको हम लोग पहले से देते हैं। আমি যখন সোশ্যাল মিডিয়া দেখি এবং অনেক সময় আমার সম্মুখে কিছু প্রচার আসে যেগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। और मैं जब सोशल मीडिया में देखता हूँ और मैं जब बहुत कुछ उसमें अनुभव करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर से आती हैं या निकलती हैं। আমি যখন সোশ্যাল মিডিয়া দেখি অনেক প্রচার আমি দেখতে পাই যার মধ্যে দিয়ে অনেক বিষয় আমি দেখতে পাই এবং আমি চিন্তা করি সেই বিষয়গুলো নিয়ে। और सोशल मीडिया में मैं बहुत ऐसे प्रचारों को देखता हूँ जिसको लेकर मैं सोचता हूँ और जिसके विषय में मैं चिंता भी करता हूँ। পবিত্র বাক্য অনুসারে আমাদের সমুদয় জগতে যাওয়া উচিত এবং খ্রিস্টের সেই সুসমাচার সমস্ত জগতে শেয়ার করা উচিত বা তাদেরকে সেই বাক্য দেওয়া উচিত এবং তাদেরকে শিষ্য তৈরি করা উচিত। और वचन के अनुसार हमें सुसमाचार को पूरे जगत में फैलाना चाहिए, देना चाहिए और हमें इस सुसमाचार के माध्यम से नए शिष्यों को भी तैयार करना चाहिए। किंतु आज আমরা একে অপরকে প্রুফ করার জন্য, একে অপরকে বোঝাবার জন্য আমি অন্যদের থেকে বেটার বাইবেল জানি এইটা বোঝাতে আমরা খুব বেশি বিধি ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। और आजकल के जमाने में क्या होता है, हम लोग ये एक दूसरे को प्रमाणित करने के लिए व्यस्त हो जाते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर वचन जानता हूँ, ये चीज को समझाने में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। আমি একটা ভিডিও দেখছিলাম। और मैं एक वीडियो देख रहा था। আমি কখনো এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করি না, কিন্তু আজকে মনে হলো আমার বলা উচিত। और कभी भी मैंने इस चीज को लेकर चर्चा नहीं किया, मगर मुझे आज लग रहा है कि मुझे ये चीज को बोलना चाहिए। একটা ভিডিও দেখছিলাম যেখানে একজন বলছে যে যারা প্রকৃত খ্রিস্টান তারা জানে না এবং তাদের উচিত না বড়দিনকে মানানো, বড়দিন আসলে বড়দিন নয়। और मैं एक वीडियो में देख रहा था कि कोई प्रचार कर रहा था और ऐसे कह रहा था कि बड़ा दिन पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिसको बड़ा दिन कहकर पालन करते हैं वो असल में बड़ा दिन नहीं है। এটা কোন বিশ্বাসী না জানে না, ये कौन सा विश्वासी नहीं जानता है। যে বাইবেল পড়ছে সবাই জানে, ये जो बाइबल पढ़ता है वो सबको ही जानता है। किंतु আমার প্রশ্ন, मगर मेरा जो प्रश्न है, সেই প্রশ্নটা হচ্ছে ঈশ্বর যখন সপ্তম দিন পর্যন্ত সৃষ্টি করেছে, প্রত্যেকটা দিনকে যখন বলেছে উত্তম দিন, তাহলে ঈশ্বরের গৌরব করা কোথায় অপরাধ? और अगर जब परमेश्वर ने जब ये जगत को सृष्टि किया था, उन्होंने कहा था कि सातों दिन हर दिन उत्तम दिन होता है, तो हमारे लिए वो दिन क्यों उत्तम नहीं होगा? क्यों बोले जे विश्राम बार शनिवार विश्राम बारे विश्राम बार पालन करा उचित, अन्य दिन यदि विश्राम बार पालन करी ताले की सेटा अपराध? और विश्राम बार बहुत कोई कहता है विश्राम बार शनिवार होता है, मगर अगर हम लोग विश्राम बार कोई और दिन को पालन करे तो क्या वो क्या अपराध होता है? यदि सात दिन विश्राम दिन पालन करी एवं शुद्ध भावे ईश्वर गौरव करी और की अपराध, और अगर पूरे सातों दिन अगर हम लोग विश्राम वार पालन करते हैं और शुद्ध शुद्ध शुद्धता के साथ अगर हम लोग उसको पालन करते हैं तो ये क्या कौन सा अपराध है? ख्रिस्टीय भाई बोल, ख्रिस्टीय भाई बहन, এখন আপনি কতটা জানেন এটা ইম্পর্টেন্ট নয়। और अभी आप कितना जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। কতটা আপনি এডুকেটেড, কতটা আপনি বাইবেল সম্বন্ধে জানেন, কত আপনি লেভেলের মাপের লোক, সেটা প্রমাণ করার সময় নয়। और कितना आप शिक्षित हैं या कितना बाइबल जानते हैं ये चीज को प्रमाणित करने का ये समय नहीं है। আপনাকে বুঝতে হবে যে যোহন 3:16 পদে যেই কথাটা বলছে, ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় এই অনন্ত জীবন পায়। এই যে স্যাক্রিফাইস, এটা লোকের কাছে পৌঁছানোর প্রয়োজন আছে। और हम लोग जब इसको समझते हैं, इसको जानते हैं, तो यूहन्ना उसका 3:16 में जैसा कहता है कि परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वो आदमी जो इसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। ये जो बलिदान है, ये बलिदान के विषय में बोलने का इस वक्त समय है। এই বড়দিন আমরা যীশু খ্রিস্টের জন্মদিনের থেকেও অধিক পালন করি, যে ঈশ্বর জগৎকে প্রেম করেছে তার একমাত্র পুত্রকে দান করেছে। और बड़ा दिन मतलब यीशु मसीह के जन्मदिन के अनुसार पालन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हम लोग ये समझे कि परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा था हमारे बलिदान के लिए আর তার প্রেমকে প্রকাশ করেছিল। আর উনকে প্রেম কো প্রকাশিত কিয়া। আদি পুস্তক অনুসারে ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টির পর মনুষ্য সৃষ্টি করেছিল তার প্রতিমূর্তিতে। আর উৎপত্তি কে অনুসার পরমেশ্বর নে সব কিছু সৃষ্টি করনে কে বাদ মনুষ্য কো সৃষ্টি কিয়া থা।
সবথেকে উত্তম সৃষ্টি ও উনকা সবসে উত্তম সৃষ্টি তার মনের মতন সৃষ্টি উনকে মন মুতাবিক সৃষ্টি থা হাতে নিজে হাতে মাটিকে মেখে মূর্তি তৈরি করে তার নাকে শ্বাস দিয়েছিল আর আপনি হাতো সে মিট্টি কো সানকার মূর্তি বানাকার আপনি আপনি শ্বাস কে দ্বারা উনকো শ্বাস দিয়া থা বাইবেল বলে তার মনের মতন সৃষ্টি হয়েছিল আর বাইবেল কহতা হ্যায় কি উনকে মন মুতাবিক সৃষ্টি হুয়া থা আর সেই মানুষ পাপে পরিণত হলো আর ওহি মানুষে পাপ মে আপনি আপকো ঢজোল দিয়া যে মানুষকে ঈশ্বর এত প্রেম করলো সেই মানুষ পাপের দিকে পরিচালিত হলো আর জিস মানুষকে পরমেশ্বর নে ইতনা প্রেম কিয়া ওহি মানুষকে কিয়া কিয়া পাপ মে খুদ কো ডুবা লিয়া ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হলো আর পরমেশ্বর সে বিচ্ছেদ হো গিয়া ঈশ্বর থেকে বহু দূরে চলে গেল আর পরমেশ্বর সে বহুত দূর চলা গয়া সেই মানুষের প্রতি প্রেম কে প্রদর্শন করা ঈশ্বরের একটা বড় বলিদান আর परमेश्वर मनुष्य के प्रति उनके प्रेम को प्रमाणित करने का ये बहुत ही एक बहुत बड़ा बलिदान था और ये जिनिसा ये वार्ता जो कुन हमरा सोशल मीडिया बा चर्च बा नाना जगह दी तखन किछु जन बोझाबार चेष्टा करे आई एम द बेस्ट आमी बाइबल बेशी जानी तुमी किछु जानो ना और जब हम लोग ये चीज कोई कभी कभी मंडली में बोलते हैं तो बहुत कोई ऐसे सोचते हैं प्रमाणित करते हैं कि मैं सबसे उत्तम हूँ मेरे से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता है आज के सोशल मीडिया ते ईश्वरेर बलिदान विषय जतना चर्चा है ईश्वरेर प्रेमेर विषय जतना चर्चा है लोके बा किछु जन आछे जारा निजेर ज्ञान के प्रमाण करार चेष्टा करे आर बोझाबार चेष्टा करे बड़ दिन आसले बड़ दिन नय আপনাকে বড়দিন পালন করতে কে বলেছে আপনি ঈশ্বরের সেই গিফটের বিষয় বলুন আপনি সেই ঈশ্বরের প্রেমের বলিদানের কথা বলুন আর वो अगर हम लोग सोशल मीडिया में देखेंगे तो सोशल मीडिया में बहुत कोई इस बलिदान इस प्रेम के विषय में नहीं बोलते हैं मगर वो लोग प्रमाणित करते हैं कि हम लोग बहुत जानते हैं बड़ा दिन नहीं है और ये चीज को वो लोग प्रमाणित करते हैं मगर वो लोग इस परमेश्वर के प्रेम को और बलिदान को सोशल मीडिया में या मंडली में वो लोग चर्चा नहीं करते हैं अपनी बड़ा दिन करो एवरीडे अपनी करो और बड़ा दिन में ही क्यों आप हर दिन बड़ा दिन मनाइए ईश्वर हमारे जो गिफ्ट दीजिए এভরিডে আজ আমরা ব্লেসিং এ জীবন যাপন করছি উদ্ধারে জীবন যাপন করছি তাই প্রত্যেক দিন আমাদের জন্য বড় দিন আর পরমেশ্বর নে হামে এক বলিদান কে স্বরূপ এক উপহার দিয়া হে আমারা হর দিন আমারে লিয়ে এক উপহার হে এক বল এক এক আচ্ছা দিন হে হামে হর দিন সেলিব্রেট করনা চাহিয়ে হর দিন আমারা বড়া দিন হোনা চাহিয়ে হালেলুয়া হালেলুয়া তাই এতে ব্যস্ত না হয়ে तो इसमें व्यस्त ना होकर ईश्वर की परिकल्पना दिखे दृष्टिपात परमेश्वर के परिकल्पना की तरफ अपने दृष्टि को दीजिए मानुष के की धरने प्रेम तिनी कोरे छिले और मनुष्य को किस तरह का प्रेम उन्होंने किया था मानुष के की भावे तिनी भालो बेशे छिले मनुष्य को किस तरह से उन्होंने प्रेम किया था तार एक मात्र पुत्र के पृथ्वी ते गिफ्ट स्वरूप दिए छे और परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को उपहार स्वरूप इस पृथ्वी में दिया था एवं सेई पुत्र को तो बाध्य और वो पुत्र कितना कितना बाध्य में जीता है सिंहासने বসার অধিকার প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি সে সশরীরে পৃথিবীতে নেমে এলেন এবং নম্র হলেন আর যে সিংহাসন মে ব্যাঠনে কা যোগ্য হে ও পৃথিবী মে আপনে শরীর কে স্বরূপ উতার আয়ে আর ও নম্রতা কে সাথ ইস পৃথিবী মে রহনে লাগে যদি সখরিয় 9 অধ্যায় 9 পদ দেখি अगर জকরিয়া উসকা 9 কা 9 अगर हम लोग देखे হে সিয়ন কন্যা অতিশয় উল্লাস করো হে জেরুজালেম কন্যা জয়ধ্বনি করো দেখো তোমাদের রাজা তোমার কাছে আসিতেছেন তিনি ধর্মময় ও পরিত্রাণ যুক্ত তিনি নম্র গদ্যপের উপবিষ্ট গদ্যপের শাবকের উপবিষ্ট সিয়ন আনন্দিত হো ইয়েরুশালেম কে লোগো আনন্দ ঘোষ করো দেখো তোমারা রাজা তোমারে পাস আ রহা হে ও বিজয় পানে ওয়ালা এক আচ্ছা রাজা হে কিন্তু ও বিনম্র হে ও গধে কে বচ্চে পর সওয়ার হে एक गधे के बच्चे पर सवार है তিনি কোন রাজকীয় জায়গার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেনি আর উনি কিছু রাজকীয় স্থান কে লিয়ে খুদ কো প্রস্তুত নেই কিয়া হে তিনি এখানে এসে পৃথিবীতে আমোদ প্রমোদ করার জন্য প্রস্তুতি নাইনি আর উনি পৃথিবী পে আকার আনন্দ করনে কে লিয়ে প্রস্তুতি নেই লিয়া তিনি জানতেন যে তাকে তিরস্কার করা হবে আর ও জানতে তে উনকো ধিক্কারা জায়গা তিনি জানতেন এই মনুষ্য তাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না আর ও জানতে তে এই মনুষ্য উনকো উনকো অপনায়েঙ্গে নেহি তিনি জানতেন যে তাকে বলিকিত হতে হবে और वो जानते थे उनको उनका शरीर बलिदान करना होगा तो वो तिनी नम्रता संगे गाधा के बेचे निए
घोड़ा के नय हाथी के नय गाधा के बेचे निये तिनी गाधार पीठे उपविष्ट होए जेरुसलेम में प्रवेश कर ले। और वो एक राजा के जैसे नहीं, एक गधे पर बैठकर, एक घोड़ा एक हाथी के ऊपर बैठकर नहीं, मगर गधे के ऊपर सवारी करके वो जेरुसलेम के अंदर घुस रहे थे। एक बार चिंता करुन, एक बार सोचिए, आपनर आमार जोन्नो सैक्रिफाइस टा केरकम करेछिलेन तिनी, और हमारे और आपके लिए उन्होंने किस तरह का बलिदान दिया था। तिनी जो उत्तम एकटा गिफ्ट एटाई तार प्रमाण, और वो एक उत्तम उपहार है, यही प्रमाणित होता है। हालेलुया, हालेलुया। तिनी राजा हो जन्मग्रहण करलो, तिनी किन्तु एकटा गरीबेर जीवन जापन करेछिलो, और वो एक राजा जैसे थे, राजा थे, मगर फिर भी वो एक गरीबी के जीवन को बिता रहे थे। तिनी कोनो राजप्रसादे जन्मग्रहण करेनी, और उन्होंने किसी राजप्रसाद या राजमहल में उन्होंने जन्म नहीं लिया था, जाते पोत्ते के सुन तार कनेक्शन होय, ताकि हर किसी के साथ उनका कनेक्शन बने, जाते सबार काछे तिनी पहुंचते पारेन, ताकि सबके पास वो पहुंच पाए। तिनी प्रकृत बलि ताई तिनी सबार संगे निजे जीवन के परिचर्या करेछिलेन एवं स्वर्गेर सुसमाचार के दिएछिलेन। और वो प्रकृति उपहार है, इसीलिए उन्होंने हर किसी के साथ अपने जीवन को बांट लिया था, और स्वर्ग के स्वरूप वो सबके साथ अपने जीवन को बिताने लगे। समस्त आगे थे भविष्यवाणी करा, और ये सब पहले से भविष्यवाणी किया हुआ था, कारण बलिर जे परिकल्पना एटा साधारण परिकल्पना छिलो ना, और ये जो बलि, ये बलिदान जो था, ये साधारण परिकल्पना नहीं था, एटा एक बड़ा परिकल्पना, ये एक बड़ा परिकल्पना था, जार जन्य ईश्वरेर वाक्य द्वारा रचित प्रत्येकटा भाववादी तार विषय भविष्यवाणी करे गेछे। और इसीलिए हर एक भाववादी या हर एक भाववादी उनके विषय में भविष्यवाणी करके गए थे, जाते आम्रा निखुत भावे तार विषय आगे थे के जानते पारी एवं तार रियलिटी के बुझते पारी एवं ताके ग्रहण करते पारी। और इसी वजह से वो लोग, हम लोग इनके विषय में पहले से जान सके, और जो रियलिटी है वो चीज को हम लोग पहले से जान सके अपने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो यशायाह भाववादीर पुस्तक तार 7:14 पद देखी, और यशायाह उसका 7:14 अगर हम लोग देखते हैं, अतएव प्रभु अपनी अपना तुम्हारियों के एक चिन्ह देवें, अतएव प्रभु अपनी तुम्हारियों के एक चिन्ह देवें, देखो एक कन्या गर्भवती हुईया पुत्र प्रसव करिबे, ओ ताहार नाम इम्मानुएल, आमादर सहित ईश्वर राखिबेन। और यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु मेरा स्वामी परमेश्वर तुम्हें एक संकेत दिखाएगा, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी, वो इस पुत्र का नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर निजे एक चिन्ह देबे, और परमेश्वर खुद से एक चिन्ह को देंगे। एटा भविष्यवाणी, ये एक भविष्यवाणी है। ईश्वर निजे एक चिन्ह देबे, और परमेश्वर खुद एक चिन्ह देंगे। कि चिन्ह? क्या चिन्ह? एक कन्या गर्भवती होया पुत्र प्रसव करिबे, और एक कन्या गर्भवती होकर पुत्र संतान को जन्म देगी। प्रत्येक महिला, प्रत्येके जत जनेर विवाह होयेछे तारा गर्भवती हय, बच्चा प्रसव करे, एटा नतुनत्व कि? और हर एक महिला जो जिनका शादी हो चुका है वो गर्भवती होती है, बच्चे को जन्म देती है, इसमें नया बात क्या है? किंतु एखाने जे विषय नतुन, यार यहाँ पे जो विषय नया है, ए भविष्यवाणी ते जे विषय नतुन, और इस भविष्यवाणी में जो चीज नया है, ताहार नाम रखा हुआ है इम्मानुएल, और उनका नाम रखा गया है इम्मानुएल, आमादेर सहित ईश्वर, और हमारे सहित परमेश्वर। ए जे मूल्यवान एकटा वाक्यर छोट्टो रचना, और एक मूल्यवान वचन का जो एक छोटा सा रचना है, एर एक विराट व्याख्या आछे, और इसका जो है एक बहुत ही बड़ा वर्णन है। की वर्णना? क्या वर्णन है? एर वर्णना होच्छे, इसका वर्णन है, ईश्वर संगे पापेर दरुन आमादेर विच्छेद होये गेछिलो, और परमेश्वर से हम लोग अलग हो गए थे हमारे पापों के वजह से, तार संगे आमादेर कोनो सम्पर्क थाकते पारे ना, और उनके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं रहता है, पवित्र वस्तु संगे अपवित्र वस्तुर मिल होते पारे ना, पवित्र वस्तु के साथ अपवित्र का मिल नहीं हो सकता है, आलोर संगे अंधकारेर मिल होते पारे ना, और रोशनी के साथ अंधेरे का मिल नहीं हो सकता है। ताई ईश्वर थेके आमरा बहु दूरे चले गेछिलाम, और इसीलिए परमेश्वर से हम लोग बहुत दूर चले गए थे, जेखाने आमादेर संगे आर ईश्वरेर कोनो
কানেকশন ছিল না আর যিসকে যাহা পে পরমেশ্বর কে সাথ হামারা অর কোই কানেকশন নেহি থা শয়তান আমাদের উপরে রাজত্ব করছিল শয়তান হামারে উপর রাজ কর রহে থে শয়তানের পরিচর্যায় আমরা চলছিলাম আর শয়তান কে অনুসার হামলোগ চল রহে থে শয়তানের মধ্যে আমরা জর্জরিত ছিলাম আর শয়তান কে অন্দর হামলোগ জুড়ে হুয়ে থে আমাদের বিনাশ আর বিনাশ ছিল হামারা বিনাশ আর বিনাশ থা যেখানে কোনো উদ্ধার ছিল না যাহা পে কোই উদ্ধার নেহি থা কিন্তু খ্রিস্ট যেই উপহার কে তিনি পাঠিয়েছেন শুধু বলি কি তো নয় ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যুগ করে দিয়েছে বা যুক্ত করে দিয়েছে আর পরমেশ্বর নে জিনকো ভেজা তা ও সিফ উপহার নেই থে মগর উনকে দ্বারা পরমেশ্বর কে সাথ হাম লোগ জুড় চুকে থে আমারা এক সম্পর্ক হো চুকা থা আমরা আবার ঈশ্বর সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়ে গেছি আর ফির সে হামে মৌকা মিলা হ্যায় কি হাম পরমেশ্বর কে সঙ্গ যুক্ত হো জক হো সকতে হ্যায় খ্রিস্ট সে জুড়ে দেবার রাস্তা আর খ্রিস্ট হি ও জোর দেনে কা রাস্তা হ্যায় খ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের আর আমাদের সম্পর্ক মিলিত হয়েছে আর খ্রিস্ট কে वजह से ही और परमेश्वर के साथ हमारे संपर्क जुड़ चुके थे अंधकार और माच खाने रास्ता और अंधेरा और रोशनी के बीच का रास्ता पापेर एवं पवित्रता माच खाने रास्ता पाप और पवित्रता का बीच का रास्ता और तय का नाम इमानुएल और इसीलिए उनका नाम इमानुएल है आमादेश ঈশ্বর আমারে সহিত পরমেশ্বর হালেলুয়া 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 তাই এই পরিকল্পনাটা বড় পরিকল্পনা ইসলিয়ে ইয়ে জো পরিকল্পনা ইয়ে বড় পরিকল্পনা হ্যায় আর এটাকে সেলিব্রেশন করা কোনো পাপ নয় আর ইসকো সেলিব্রেট করনা কোই পাপ নেহি হ্যায় এটা সেলিব্রেশন করা বা উচ্চারণ করা কোনো পাপ নয় আর ইসকো সেলিব্রেট করনা ইয়া উচ্চারণ করনা ইয়ে কোই পাপ নেহি হ্যায় এটা কোন দিন হইছে সেটা ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু এটা হইছে এটা ইম্পর্টেন্ট আর ইয়ে কব হুয়া ইয়ে ইম্পর্টেন্ট নেহি হ্যায় মগর ইয়ে হুয়া হ্যায় ইয়ে ইম্পর্টেন্ট হ্যায় এটা যদি না হতো আমরা কেউ উদ্ধার পেতাম और ये अगर नहीं होता तो हमें किसी को परित्राण या उद्धार नहीं मिलता ताई एटा इंपॉर्टेंट इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एटा हमारे लाइफ में एक बड़ो चेंज और ये हमारे लाइफ का हमारे जिंदगी का एक बड़ा परिवर्तन है एटा हमारे लाइफ में एक बड़ो गिफ्ट और ये हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा उपहार है और एटा हमारे के सेलिब्रेशन करना चाहिए और ये हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए অন্তরে হৃদয়ে আত্মায় যেন আমরা গর্ব করতে পারি যে ঈশ্বর পুত্র আমাদের জন্য মরেছেন আর আমি এই চিজ কো গর্ববিত মহসুস করনা চাই কি পরমেশ্বর কা পুত্র হামারে লিয়ে বলিকৃত হুয়া হ্যায় আমরা এমনি এমনি উদ্ধার পাইনি আমরা বড় মূল্য চুকাতে হয়েছে আমাদের জন্য আর আমি এসে উদ্ধার নেই মিলা হ্যায় উসকে লিয়ে আমি বহুত বড়া মূল্য চুকানা পড়া হালেলুয়া 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 প্রকৃত বলির প্রয়োজন ছিল আর প্রকৃতি বলিদান কা জরুরত থা প্রকৃত বলি ছাড়া আমাদের পাপের উদ্ধার নেই আর প্রকৃতি বলিদান কে বলিদান কো ছোড় কর হামারা উদ্ধার নেই হো সকতা হ্যায় একজন এমন ব্যক্তি হওয়া দরকার ছিল যে আমাদের প্রত্যেকের পাপভার বহন করবে যে নিখুঁত এবং নিষ্পাপ আর এক এসে ব্যক্তি কা জরুরত থা জো হামারে হর পাপো কা ভার কো উঠায়েঙ্গে জো নিষ্পাপ হ্যায় আর পবিত্র হ্যায় তাই আজ তো ইসিলিয়ে আজ আমরা যখন क्रिसमस सेलिब्रेशन को छी हम लोग जब बड़ा दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कौन हमरा एटा जानी बा एटा क्लियर जब हम लोग ये जानते हैं ये हमारे पास क्लियर है আমাদের জন্য কেউ একজন বলি চড়ার জন্য বা বলিকৃত হওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছিলেন আর ইয়ে জাননি জান গয়ে হ্যায় হাম কি কোই ইস পৃথিবী মে আয়া থা হামারে লিয়ে খুদ কো বলিদান করনে কে লিয়ে হালেলুয়া হালেলুয়া আমরা যদি দেখি যিশু ভাবাদির পুস্তক 9 অধ্যায় 6 থেকে 7 আমি ভাই জয়েল কে বলবো হিন্দি এবং বাংলা দুটোই পড়তে আর আমরা বাংলায় পড়ি আগে যিশু ভাবাদির পুস্তক তা 9 অধ্যায় 6 থেকে 7 এ বলছে কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে আর তাহারই শক্সকের উপরে কর্তৃত্বের উপরে স্কন্দের উপরে কর্তৃত্ব ভার থাকিবে এবং তাহার নাম হইবে আশ্চর্য মন্ত্রী বিক্রমশালী ঈশ্বর সনাতন পিতা শান্তিরাজ দাউদের সিংহাসন ও তাহার রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ব বৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয় ন্যায় বিচারে ও ধার্মিকতা সহকারে এখন অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগে ইহা সম্পন্ন করিবে আমেন 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 একজন বালক আর এক বালক যার জন্ম হয়েছে জিসকা জন্ম হুয়া আমাদের পাপভার নিজে কন্ধে তুলে নেবার জন্য আর হামারে পাপো কো উসকে উসকে কন্ধে পর উঠানে কে লিয়ে যেই পাপের বোঝা আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের বহু বছরের জীবনে ধরে নিয়ে আমরা বইছি শুধুমাত্র একমাত্র প্রভু যিশুই সেই
पापेर भार निजे स्कंदे तुलते पारे और वही पापों को जिसको हम लोग वर्षों के वर्ष हमारे हमारे पहले के नीति से हम लोग जो अपने कंधे पर उठाकर आ रहे हैं उसको उस पापों को खत्म करने के लिए वो परमेश्वर के संतान को बलिदान किया गया है। हालेलुया हालेलुया। तिनी विक्रमशील आश्चर्य मंत्री शांति राजा और वो विक्रमशील आश्चर्य मंत्री और शांति के राजा है। तार अनेक नाम उनका बहुत नाम है जिन से नामे कर्तृत्व करते पारे और वो उस नामों के कर्तृत्व को कर सकते हैं। कारण से तार अधिकार आछे क्योंकि वो उनका अधिकार है। तिनी और योग्य वो उनके योग्य है। तिनी और सिंहासन योग्य वो उस सिंहासन के योग्य है। तो वो सिंहासन के त्याग करे आमादर जन पृथ्वी पर नेमे एसेछे और इसलिए सिंहासन को त्याग कर पृथ्वी पर आए थे हमारे लिए। तो बड़ो सैक्रिफाइस उनका इतना बड़ा बलिदान तार एतो प्रेम उनका इतना प्यार तो किचु कोलर पर इतना कुछ करने के बाद जब तिनी पृथ्वी पे एलेन जब पृथ्वी पर आए हमारे जो लोग सैक्रिफाइस होलेन हमारे लिए बलिदान हुए एटा हमारे कछे इंपॉर्टेंट होच्छे ना आज और ये आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे कछे इंपॉर्टेंट बड़ो दिन कब है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बड़ा दिन कब है। बड़ो दिन एवरी डे जो हम यीशु को जानी और बड़ा दिन हर दिन है अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं। हम रोज पाप करी हम रोज पाप करते हैं। रक्त हमें सूची करे उनका लहू हमें सूची पवित्र करता है। असल क्रिसमस तो रोज और बड़ा दिन हर दिन है। हमरा रोज उद्धार पाए हमें रोज उद्धार मिलता है। मनुष्य सुसमाचार वाक्य द्वारा परित्राण पाए और हर एक व्यक्ति सुसमाचार की शक्ति के द्वारा उनको परित्राण मिलता है। एवरीडे पाए हर दिन मिलता है। तादे चुनो बड़ो दिन सही दिन उनके लिए बड़ा दिन है उस दिन। किंतु कुछ लोग मगर कुछ लोग जरा एखनो पड़े रहेछे जे आमी तोमार थेके बेशी ज्ञानी आमी जानी बड़ो दिन एटा बड़ो दिन नय बड़ो दिन अन्य दिन आपनी निजेओ जानेन ना बड़ो दिन कोन दिन कारण आपनी सठिक भावे परित्राण पाननी। और बहुत कोई है ज्ञानी व्यक्ति जो बोलते हैं कि बड़ा दिन नहीं है बड़ा दिन को बोलकर कुछ नहीं है। आपको खुद पता नहीं है कि बड़ा दिन क्या है। इस विषय में आपका कोई नॉलेज नहीं है कि बड़ा दिन क्या है। बड़ो दिन आपने यीशु के जाना ही होच्छे बड़ो दिन और यीशु मसीह को जानना ही बड़ा दिन होता है। हालेलुया हालेलुया। तो ये परित्राणेर घोषणा के अपनी चारिदी के छड़ान और इस परित्राण के घोषणा को चारों तरफ फैलाइए। आपने को तो जाने नहीं था नॉय ये आप कितना जानते हैं वो नहीं है। ईश्वर की परिकल्पना करते सही विषय सुसमाचार दिन और परमेश्वर ने क्या परिकल्पना किया है उस विषय में सुसमाचार दीजिए। ईश्वर के परिकल्पना के विषय बोलून परमेश्वर के परिकल्पना के विषय में बोलिए। पापीदर उद्धार के विषय बोलो पापियों के उद्धार के विषय में बोलिए। तिनी एकमात्र पद सत्य जीवन सही विषय बोलो और वही पद सत्य और जीवन है इस विषय में बोलिए। एटाके बोलते गर्वबोध करू और इसको बोलने में खुद को गर्वित महसूस कीजिए। तिनी हमारे राजा क्योंकि वो हमारे राजा है। तिनी हमारे पिता वो हमारे पिता है। जा क्यों करेनी जो किसी ने नहीं किया तिनी करेछेन उन्होंने किया है। तिनी तार प्रेम के प्रदर्शन करेछेन उन्होंने अपने प्रेम को प्रकाशित किया है। प्रेमेर माध्यमे आमादेरके उद्धार करेछेन अपने प्रेम के माध्यम से हमें उद्धार दिया है। मुखे बोलेनि उन्होंने से मुंह से नहीं बोला तिनी करे देखिछे उन्होंने करके दिखाया। तिनी आमादेर जन्य गृह निर्माण करछेन स्वर्गे और वो हमारे लिए उस घर को निर्माण कर रहे हैं स्वर्ग में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ख्रिस्ट तो भाई बहन ख्रिस्ट भाई बहन जो तो जन आज के नहीं प्रचार देखछे कितना जन ये प्रचार को देख रहे हैं এই বিষয়ে আপনারা ভ্রান্ত হবেন না। इस विषय में आप लोग विभ्रांत मत होइए। কবে বড় দিন কব বড় দিন হ্যায় কবে ক্রিসমাস কব ক্রিসমাস হ্যায় বাইবেল এই বিষয়ে কি বলে বাইবেল इस विषय में क्या बोलता है। যিশু মরেছিলেন যিশু ক্রুশে রোপিত হয়েছিলেন যিশু পৃথিবীতে এসেছিলেন এটা সত্যি আর তাই আমরা না জানলেও এই জিনিসটাকে সেলিব্রেশন করার প্রয়োজন আছে। ইয়েশু মসীহ ক্রুশ পর अपने जीवन को दिए थे ইয়েশু মসীহ পৃথিবী পর আয়েতে ये सत्य है और इस चीज सत्य को ही हमें উদযাপন करना चाहिए सेलिब्रेशन करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। তো যে কোনো দিন হোক ও কোই ভি দিন হোক কিন্তু প্রভু আমাদের জন্য পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন প্রভু हमारे लिए पृथ्वी पर उतर आए थे। हालेलुया हालेलुया। আমি বিশ্বাস করি हम विश्वास करते हैं এই বাক্য ये वचन এই বলিদান ये বলিদান এই sacrifice हमारे लिए गर्व क्योंकि विषय है हमारे जो उद्धार रास्ता हमारे लिए उद्धार का रास्ता है। हमरा गर्व करी हमारे एरकम पिता आछे हम लोग गर्व करते हैं हमारा ऐसा पिता है। हालेलुया हालेलुया। ताई तार पश्चादगामी होय उनको अनुसरण कीजिए तार अनुसरण करी उनको अनुसरण करिए एवं ताके शुद्ध ईश्वर बोले सम्मान करी और सिर्फ उनको ही परमेश्वर बोलकर सम्मान करी। हालेलुया हालेलुया। आशी प्रार्थना जाए आइए प्रार्थना करते हैं पवित्र पिता पवित्र पिता प्रार्थना करी हम प्रार्थना करते हैं
আমরা যেন তোমার হতে পারি পিতা প্রভু তেরা হো সকে পিতা আমরা যেন তোমার বাক্যকে অনুসরণ করি তেরে বচন কো হম লোগ অনুসরণ কর সকে তোমার বাক্যের পথে যেন চলতে পারি তেরে বচন কে রাস্তে পর হম লোগ চল সকে তোমার সুসমাচার বহন করতে পারি তেরে সুসমাচার কো আপনে কন্ধে পর বহন কর সকে এইটা যেন প্রুফ করার চেষ্টা না করি আমি কত জানি এ প্রুফ না করে কি হম বহুত জানতে হ্যায় আমরা যেন তোমার সুসমাচার বহন করতে পারি তেরে সুসমাচার কো বহন কর সকে কারণ তোমার সেই সেক্রিফাইস আর পৃথিবীর কারোর ক্ষমতা নেই দেবার আর ও যে তুমি বলিদান দিয়া হ্যায় किसी का क्षमता नहीं है पृथ्वी में देने का तुम ही एकमात्र बलिदान जर मध्य दी हमरा उद्धार पाए तू एक बलिदान है जिसके माध्यम से हमें उद्धार मिलता है ताई तोमा के पावा हमारे जन गर्व विषय तो तुझे पाना मेरे लिए गर्व की बात है थैंक यू प्रभु थैंक यू लॉर्ड তুমি আমাদেরকে এই সেই সুযোগ করে দিয়েছো তুমি हमें इस मौका दिया है তাই আজকে দিনের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं एवरी डे জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ हर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं তোমার রক্ত আমাকে শুচি করেছে তেরা লহু हमें पवित्र किया है तुम्हार धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो समस्त गौरव तुम्हार समस्त गौरव तेरा यीशु नाम चाहे यीशु मसीह के नाम से आमेन 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 और एक बार बोली और एक बार कहते हैं मैरी क्रिसमस सबको यीशु पृथ्वी पे इसलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे इटा इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है ये बलि इंपॉर्टेंट ये बलिदान इंपॉर्टेंट ये सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट ये सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट ये उद्धार इंपॉर्टेंट ये उद्धार इंपॉर्टेंट तार रक्त আমাদের কে শুচি করে उनका लहू हमें শুচি করতে है अरे इटा इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट है आमेन आमेन